नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। आज हम लोग फंडामेंटल के सेकेंड पार्ट का स्टडी करेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, और उसके बारे में हमने बेसिक जाना। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट होने के बाद फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद फिर हम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस वगैरह, ये सब स्टेप बाय स्टेप देखें। हमने बेसिक जाना कंप्यूटर क्या है, और फिर अब उसका हिस्ट्री जानें। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या आपको फंडामेंटल में पढ़ना है उसका कुछ टॉपिक हमने, व्हाट इज कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, मेमोरी में कितने टाइप का पढ़ना है, रजिस्टर्ड मेमोरी, कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर वायरस, नंबर सिस्टम, इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, वेबसाइट, और लास्ट में हम इंटरव्यू वगैरह कैसे क्रैक करें उसके बारे में हम इन सारे टॉपिक के बारे में डिटेल में जानेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग यानी हमने जाना अभी कि व्हाट इज कंप्यूटर, और इसके बाद हम पहले हिस्ट्री को टच कर लेते, फिर हम जो भी टॉपिक है स्टेप से चलें। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी फर्स्ट जो मशीन है अबाकस, अबाकस फर्स्ट एडिंग मशीन मेड बाय अबाकस इन चाइना नेम अबाकस, यानी ये ऐसा मशीन था जो जोड़ने का काम करता था, और ये इनका जो नाम था अबाकस ये चाइना नेम। इट हैज अ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम, यानी ये आयताकार लकड़ी का बना हुआ था। हॉरिजेंटल लोड्स विथ वेट्स स्ट्रंग इन इट, यानी इसमें हॉरिजेंटल रोल्स लगे हुए थे, बिट्स लगे थे। इन इट वन पार्ट इज कॉल्ड हेवन एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड अर्थ, यानी एक भाग को हेवन और दूसरे को अर्थ कहा जाता है। वन बिट्स ऑफ अर्थ इज वन, यानी एक बिट्स अर्थ एक होता है, और हेवन इज फाइव, यानी एक हेवन फाइव होता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आर डन बाय चेंजिंग द पोजीशन ऑफ इट्स बिट्स, यानी जोड़ घटाव करने के लिए बिट्स को चेंज करके, यानी उसका पोजीशन चेंज करके, जगह चेंज करके जोड़ घटाव किया जाता था। इस मशीन को कौन कौन कंट्री ने यूज किया, देश ने यूज किया, तो चाइना, रसिया, जापान एंड इंडिया। किस तरह का मशीन था तो चलिए देख ले। इस तरह का मशीन था, ये आयताकार लकड़ी का बना हुआ था, इसमें बिट्स लगे थे और गोल गोल चक्की की थे। इसी दोनों पोजीशन चेंज करके जोड़ और घटाव किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेपियर्स बोन। नेपियर बोन इन 1614 जॉन्स नेपियर डेवलप्ड नेपियर बोन डिवाइस, यानी जॉन्स नेपियर ने नेपियर बोन डिवाइस का आविष्कार किए, जो 1614 ईस्वी में किए थे। इस मशीन का काम क्या था, तो ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन यानी भाग और गुणा का काम करता था, और जोड़ और घटाव का, वो भी इजी वे में आसानी से करता था। इस तरह का मशीन था। नेक्स्ट है पास्कलाइन मशीन। ब्लेज पास्कल वाज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, यानी
ब्लेस पास्कल थे, वो फ्रांस के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने पास्कलाइन मशीन का आविष्कार किया। इट वॉज फर्स्ट रियल मैकेनिकल कैलकुलेटर, यानी यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बना जो जोड़ और घटाव का काम करता था। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर बाय यूजिंग द सीरीज ऑफ 8 रोटेटिंग व्हील्स, यानी इस मशीन में 8 घूमने वाला चक्की की तरह लगा हुआ था जिसको घुमा करके जोड़ और घटाव का यूज किया जाता था। चलिए मशीन को देख लें, तो इस तरह का मशीन था। नेक्स्ट है चार्ल्स बैबेज, ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक पिता कहा जाता है। इन 1822 to 23 ही मेड अ स्मॉल मॉडल ऑफ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन, यानी 1822 से 23 के बीच में इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। दिस वॉज द फर्स्ट मशीन विच कुड परफॉर्म कैलकुलेशन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी इन्होंने ऐसा मशीन बनाया जो बिना इंसान की मदद से भी वो कैलकुलेशन करता था। ही ऑल्सो डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन, यानी बाद में इन्होंने एनालिटिकल इंजन का भी आविष्कार किया। इस तरह का मशीन था। लेडी एडा लवलेस, लेडी एडा वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामर इन 1842, यानी लेडी एडा फर्स्ट प्रोग्रामर बनी, यानी 1842 में कंप्यूटर प्रोग्राम समझने लगा। शी वॉज द डॉटर ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन की बेटी थी, जो कि एक इंग्लिश कवि थे। डेवलप्ड बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर बेवेज मशीन, इन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किया बेवेज मशीन के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो अ डेसिमल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 इज नोन एज बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी 0 and 1 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम हम लास्ट पढ़ेंगे, इसका एक टॉपिक होगा। नंबर सिस्टम चार तरह के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। तो हम नंबर सिस्टम एक अलग टॉपिक है और इसको हम अच्छे से जानें। और एक बात और कि जो भी इसमें दिया हुआ है हिस्ट्री में, तो हर बुक में हर वेबसाइट पे अलग अलग इसवी डेट दिया हुआ है। तो हमारे ख्याल से विकिपीडिया का जो कंटेंट है वो अच्छा है, वो सटीक है, क्योंकि हमने जितने भी बुक देखे हैं उन सब में अलग अलग डिफरेंट मिल रहा है। तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर चल सकता है, एग्जैक्ट तो हमें पता भी नहीं है। ये लेडी एडा लवलेस थी। हरमन कोलारे, इन 1889 ही डेवलप्ड अ डिवाइस कॉल्ड पंच कार्ड, यानी 1889 में इन्होंने पंच कार्ड डिवाइस का आविष्कार किए। कौन, तो हरमन कोलारे। कोडिंग ऑफ डेटा इज डन बाय पंचेज ऑन कार्ड कॉल्ड कोलारे कोड, यानी ये पंच के थ्रू कोलारे कोड को क्या करता था, कार्ड में इंसर्ट करता था। हिज कंपनी नेम टैबलेटिंग मशीन, इस कंपनी का नाम टैबलेटिंग मशीन था। कंपनी ज्वाइंड इन 1896, यानी ये कंपनी ज्वाइन किया 1896। लेटर इट मर्ज विद सम अदर कंपनीज, यानी बाद में दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो गए, जुड़ गए, और फिर कम आउट विद न्यू नेम IBM, यानी बाद में इस कंपनी का नाम IBM पड़ा, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन था। इट इज आल्सो नोन एज पंच्ड होल डिवाइस, पंच्ड कार्ड एंड टैबलेटिंग मशीन, इन तीनों नाम से इस डिवाइस को जाना जाता है। इस तरह का मशीन था।
Dr. Howard Eigen, he developed a machine called Mark I in 1942. यानी इन्होंने मार्क वन नाम का मशीन बनाए जो 1942 ईस्वी में बना. इट इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नॉट इलेक्ट्रॉनिक. यानी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना जो कि इलेक्ट्रॉनिक नहीं था. किस तरह का था चलो देख लें. नेक्स्ट है इकार्ट एंड मॉसी डेवलप्ड ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर इन 1946 में. इस मशीन का आविष्कार हुआ. फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बना यानी पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बना. हज मशीन यानी बहुत बड़ा मशीन था. डिड नॉट हैव इंटरनल मेमोरी यानी इस का जो डेटा स्टोर करने का वो जगह नहीं था. यानी इंटरनल मेमोरी नहीं था कि वो डाटा को सेव रख सके. डिजाइनेड एंड बिल्ट फॉर डिफेंस सर्विस यानी इसको बनाया गया था स्पेशली डिफेंस सर्विस के लिए ही बनाया गया था. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स न्यू वेपन यानी डिफेंस के लिए जो भी यूज होते हैं सामान या जो भी कुछ वो उसे वेपन कहा जाता है. वेपन मतलब हथियार टाइप का जो होता है उसे हम वेपन कहते हैं. इट हैज 18,000 डायोड एंड 7,000 रजिस्टर यानी इस मशीन को बनाने में 18,000 डायोड एंड 7,000 रजिस्टर से मिलकर के मशीन बना था. इस तरह का मशीन था. चलिए हिस्ट्री खत्म हुआ. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ें. तब तक के लिए धन्यवाद.